थे आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पी एस स्टडी सेंटर में। और अभी कुछ दिनों पहले से हम लोग मार्क्सवाद के बारे में पढ़ रहे थे और हमने जाना था कि मार्क्सवादी विचार को किस प्रकार से उसमें संशोधन किया गया और उसका विस्तार किया गया। और ये विस्तार करने वाले जो विद्वान थे, इनमें हमने फ्रैंकफर्ट स्कूल को पढ़ा और ग्राम्स्की के बारे में पढ़ा था। उसी के क्रम में अगला वीडियो है ये, जिसमें हम लुकास के बारे में पढ़ेंगे। तो जॉर्ज लुकास ने किस प्रकार से मार्क्सवाद में संशोधन किया और उसका विकास किया, इस वीडियो में हम जानेंगे। अगर आपने फ्रैंकफर्ट स्कूल और ग्राम्सी के बारे में नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक के द्वारा और आई बटन के द्वारा पहले उस विषय को देख लीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं और जानते हैं हम जॉर्ज लुकास के बारे में। तो हम जॉर्ज लुकास की अगर बात करें इनके जन्म की, तो इनका जन्म जो हुआ ये हंगरी में हुआ था। हंगरी में एक जगह है बूडापेस्ट, वहाँ पे 15 अप्रैल 1885 को इनका जन्म हुआ और इन्होंने बूडापेस्ट विश्वविद्यालय से ही अपने स्नातक की पढ़ाई पूरी की। अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने बर्लिन और हेडलबर्न विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। इसके बाद जॉर्ज लुकास की अगर हम बारे में बात करें तो देखने को ये मिलता है कि इनकी जो रुचि थी, जो इनका इंटरेस्ट था, वो साहित्य में बहुत ज़्यादा था। और अपने अध्ययन के दौरान ही इन्होंने अनेक साहित्य रचनाओं को पढ़ा और उनकी आलोचना भी की। अगर हम जॉर्ज लुकास के कुछ रचनाओं की बात करें तो महत्वपूर्ण जो इनकी रचनाएं थी वो थी सॉल एंड फॉर्म 1910, हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न ड्रामा 1911, एस्थेटिक्स कल्चर 1913 तथा थ्योरी ऑफ नॉवल 1916। तो ये सारी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएँ थी जो 1910, 11, 13 और 16 में प्रकाशित हुई। हम प्रारंभिक दौर की अगर बात करें तो देखते हैं कि जो लुकास थे ये प्लेटो और हीगलवाद के विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे और उनकी जो नैतिक आदर्शवाद की भावना थी या जो विचारधारा थी उसने लुकास को बहुत ज़्यादा आकर्षित किया। परंतु धीरे धीरे बाद में हुआ क्या कि लुकास जो थे ये मार्क्सवाद की ओर प्रभावित होने लग गए और मार्क्सवाद के विचारों ने इन पर गहरा प्रभाव डाला। और हंगरी में जब साम्यवादी दल की सरकार बनी, सबसे पहले तो लुकास जो है हंगरी में साम्यवादी दल के साथ जुड़ गए, साम्यवादी दल के एक सदस्य बने और साम्यवादी आंदोलन से जुड़ गए। आंदोलन में ही भाग लेते हुए जब 1919 में साम्यवादी दल की सरकार बनी तो उन्हें वहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद, शिक्षा मंत्री का पद दिया गया। लेकिन जैसे ही हंगरी में साम्यवादी शासन पतन हुआ, साम्यवादी शासन का अंत हुआ और वहाँ पे जो नई सरकार आई उसने लुकास को पकड़ लिया, उस पर मुकदमा चलाया गया और उस पर मृत्यु दंड की घोषणा की गई। लुकास इस डर से भाग गया हंगरी छोड़कर और वो 20 वर्षों तक कई देशों का भ्रमण करता रहा, जिनमें ऑस्ट्रिया, जर्मनी और सोवियत संघ। 20 वर्षों तक इन तीन देशों में इसने भ्रमण किया और यहाँ पर रहा। और उन्होंने ऑस्ट्रिया में एक रचना रची अपनी जिसका नाम था हिस्ट्री एंड क्लास कॉन्सेशनस। तो उन्होंने इसकी रचना की ऑस्ट्रिया में और इस रचना ने मार्क्सवादियों का ध्यान अपनी ओर बहुत हद तक आकर्षित किया और उन्होंने मार्क्सवादियों को अपनी इस रचना से प्रभावित भी किया। एक बार फिर से 1945 में जो लुकास थे हंगरी लौट आए और बूडापेस्ट विश्वविद्यालय में ही एस्थेटिक्स के प्रोफेसर के रूप में कार्य करने लग गए। इस दौरान वो राजनीतिक रूप से भी सक्रिय रहे और राजनीतिक आंदोलनों में राजनीतिक पार्टियों के साथ जुड़े। और एक बार फिर से जब हंगरी में साम्यवादी दल की सरकार बनी 1956 में, तो उन्हें एक और महत्वपूर्ण पद दिया गया और सांस्कृतिक विभाग के मंत्री इनको बना दिया गया। लेकिन कुछ ही समय बाद जब उनका कार्यकाल ख़त्म हुआ और उसके पश्चात जब फिर से सरकार का पतन हो गया साम्यवादी शासन का, तो उन्हें रोमानिया निर्वासित कर दिया गया। 1957 में लुकास एक बार फिर से हंगरी लौटे और जीवन के अंतिम चरणों में भी वो अपने दार्शनिक और साहित्यिक रचनाओं को रचते रहे। 4 जून 1971 में लुकास का निधन हो गया। तो इस प्रकार से हमने लुकास के जीवन को हमने जाना कि किस प्रकार से उनका जन्म हुआ और किन किन विचारधाराओं से वो प्रभावित हुए। जॉर्ज लुकास द्वारा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के खंडन की। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो है ये मार्क्सवादी एक थ्योरी है, तो मार्क्सिस्ट थ्योरी का जॉर्ज लुकास द्वारा खंडन किया गया। तो मार्क्सवाद क्या कहता है सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो मार्क्सवाद का कहना था कि समाज में जो दो वर्ग हैं, एक पूंजीपति और दूसरा सर्वहारा वर्ग, तो इन दोनों वर्गों में
एक दिन संघर्ष होगा और जिसकी वजह से पूंजीवाद में विरोधाभास पनपेगा और सर्वहारा क्रांति होगी, और इस सर्वहारा क्रांति के द्वारा पूंजीवाद को समाप्त किया जा सकेगा और पूंजीवाद का उन्मूलन हो जाएगा। लेकिन मार्क्सवादी ये जो थ्योरी थी ये सत्य साबित नहीं हुई और पूंजीवाद जो है समाप्त नहीं हुआ, बल्कि इसके अपोजिट हुआ क्या कि जो मार्क्सिस्ट थ्योरी जो कहती थी कि पूंजीवाद का पतन हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ और पूंजीवाद अनेक समस्याओं का सामना करते हुए इसका और ज़्यादा विरोध हुआ। तो यही थी मार्क्सिस्ट थ्योरी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की, जिसमें यह कहा गया कि पूंजीवाद किस प्रकार से समाप्त होगा, कि समाज के जो दो वर्ग हैं पूंजीपति और सर्वहारा, इनमें संघर्ष होगा और संघर्ष के द्वारा जो है सर्वहारा वर्ग की क्रांति की जाएगी और पूंजीवाद समाप्त होगा। लेकिन वास्तव में ऐसा देखने को नहीं मिला। और पूंजीवाद का अंत क्यों नहीं हुआ, इस पर लेनिन ने बताया कि पूंजीवाद का जो अंत है वो होने का कारण है कि पूंजीवाद उच्चतम चरण पर पहुंच चुका था। पूंजीवाद का अंत इसलिए नहीं हुआ, लेनिन बताते हैं, इसलिए अंत नहीं हुआ क्योंकि जो पूंजीवाद है वो सबसे अपने उच्चतम चरण पे था और उसका उच्चतम जो चरण था वो साम्राज्यवाद था। और जब उसने पूंजीवाद ने साम्राज्यवाद का रूप ग्रहण किया तो ये अपनी अंतिम सीमा पे पहुंच गया, जिसकी वजह से पूंजीवाद का अंत नहीं हुआ। अब यहाँ पे लुकास क्या कहते हैं, किस प्रकार से इसका खंडन करते हैं वो जान लेते हैं। तो लुकास के तर्क के अनुसार केवल सर्वहारा ही पूंजीवाद का अंत करने के लिए पर्याप्त नहीं है। मार्क्सिस्ट थ्योरी कहती है कि सर्वहारा वर्ग के द्वारा जो क्रांति होगी उसी के द्वारा पूंजीवाद को समाप्त किया जा सकेगा, लेकिन लुकास इसके विपरीत कहते हैं कि सर्वहारा वर्ग के द्वारा पूंजीवाद को समाप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि ये पर्याप्त नहीं है। सर्वहारा के अस्तित्व के साथ उसमें क्रांति चेतना का होना बहुत आवश्यक है। सर्वहारा वर्ग क्रांति के अलावा उसमें जब उसमें क्रांति की चेतना होगी, जब उसको अंदर से ये चीज़ होगा कि हाँ हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी है, तभी पूंजीवाद को समाप्त किया जा सकता है। वो मार्क्सवाद को अन्य भौतिक वैज्ञानिकों के जैसा विज्ञान नहीं मानते। लुकास एंजल्स द्वारा मानवीय व्यवहार के विषय में विचार पर भी असहमत थे। वह ये मानते थे कि मानवीय व्यवहार द्वंद्वात्मक कानून द्वारा संचालित होता है। उनके विचार में भौतिक संसार का दर्पण नहीं होते। लुकास जो है विचारों की बात करते हैं और कहते हैं कि जो विचार है ये भौतिक संसार का दर्पण नहीं है। लुकास शासकों की भौतिक शक्ति की अपेक्षा चेतना की भूमिका को अधिक प्रधानता देते हैं। यहाँ पे दो चीज़ों की बात की जा रही है, एक तो विचार की और दूसरा चेतना की। तो मार्क्सवाद जो है या जो एंजलस थे इन्होंने विचार की प्रधानता को बल दिया, लेकिन जो लुकास थे, लुकास ने कहा कि यहाँ पे उनके लिए जो प्रधानता दी उन्होंने चेतना को दी, विचार की बजाय चेतना को उन्होंने जोर दिया। लुकास ने मार्क्सवाद का संशोधन किया और कहा कि भौतिक परिस्थितियाँ इतिहास को नहीं बदल सकती। उन्होंने मार्क्सवाद के प्रमुख आधार ऐतिहासिक भौतिकवाद का विरोध किया। मार्क्सवाद का जो आधार है वो है ऐतिहासिक भौतिकवाद का, और लुकास ने इस चीज़ का विरोध किया और मार्क्सवाद में संशोधन किया। उन्होंने कहा कि सामाजिक क्रांति पूंजीवादी के विरोधाभास की तीव्रता का फल नहीं होती। जब एक वर्ग विरोधाभास के बारे में सचेत होता है तब सामाजिक क्रांति होती है। तो यहाँ पे विचार और चेतना की बात की जा रही है। क्रांति तब नहीं होगी जब कोई विचार करेगा, बल्कि लुकास कहते हैं कि जब इसके बारे में सर्वहारा वर्ग जब इसके बारे में सचेत होगा, वास्तव में उसको पता होगा कि हाँ उसका शोषण किया जा रहा है समाज में, तभी क्रांति संभव है। मानवीय चेतना की रचनात्मक पर बल दिया उन्होंने, और मार्क्स के अनुसार जब उत्पादन की शक्तियाँ एवं उत्पादकीय संबंधों में विरोधाभास तीव्र हो जाता है, यानी एक जो उत्पादन करने वाला वर्ग है और दूसरा जो श्रमिक वर्ग है, इन दोनों के बीच जब विरोधाभास यानी जो संघर्ष तेज हो जाता है तब समाज में परिवर्तन होता है। लेकिन लुकास इसके विपरीत कहते हैं कि उत्पादन के साधनों एवं संबंधों में विरोधाभास होने से समाज में परिवर्तन नहीं आते। जब तक कि सर्वहारा वर्ग एक मानवीय पात्र इस विरोधाभास को समझ नहीं लेते, जब सर्वहारा वर्ग ये समझ लेगा कि वास्तव में उसका शोषण किया जा रहा है, तभी समाज में क्रांति संभव है और तभी पूंजीवाद का विनाश हो सकेगा। यहाँ पे इसका अर्थ ये निकलता है, एक तो हम समझ सकते हैं इसको मस्तिष्क और दूसरे पदार्थ के द्वारा। तो यहाँ पे लुकास के द्वारा कहा जाता है कि मस्तिष्क पहले है और पदार्थ बाद में है।
इसको आगे मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि इससे हमारा क्या तात्पर्य है। मस्तिष्क और पदार्थ बाद में, मस्तिष्क पहले है और पदार्थ बाद में। केवल सर्वहारा का शोषण तथा अलगाव होना क्रांति के लिए पर्याप्त नहीं है। क्रांति लाने के लिए आवश्यक है कि सर्वहारा वर्ग शोषण व अलगाव के प्रति सचेत हो। अब यहाँ पे दो चीज़ की बात की थी हमने, मस्तिष्क और पदार्थ की। तो पदार्थ तो ये है कि शोषण हो रहा है, लेकिन मस्तिष्क यानी चेतना जो है, वास्तविक वास्तविक जो शक्ति है वो चेतना है, जो वास्तव में सर्वहारा वर्ग को ये सचेत करेगा कि हाँ उसका शोषण हो रहा है और उसे उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। और जब वो उसका विरोध करेगा तभी पूंजीवाद का शोषण जो है समाप्त किया जा सकेगा। और इस विचारधारा को हम हीगलवाद भी कह सकते हैं, ये कहीं ना कहीं हीगलवाद से जुड़ा है, तो इसे हम अर्ध हीगलवादी विचारधारा भी कहते हैं, जिसके अनुसार सचेतन पहले आता है और पदार्थ बाद में आता है। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा लुकास के बारे में कि लुकास ने मार्क्सवादी विचारधारा को किस प्रकार से सुदृढ़ किया और उसमें संशोधन किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।